कुछ और दिन तक यही मौजू रहेगा मैंने तो नियत की है रमजान के शब में यह प्रोग्राम करते हुए शबेदारी शब की सिद्दीक अकबर अफजल बशर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हदीस नहीं है इसलिए मैं आपको सुनाऊ हदीस मैं नहीं सुनाता हदीस सुनाना और एक जेर जबर पेश आगे पीछे हो जाए तो एक फरमान के मुताबिक जहन्नम खरीदने का सौदा और जहन्नम का सर्टिफिकेट है इस पर तो लेकिन सिद्दीक अकबर की रवायत है उनका कौल है तो मैं वैसे ही सुनाऊ तो आज इसे अंग्रेजी के दो लफ्ज जा आ जाए वजीब अजीब गुफ्तु करता है सवाब और रजाब पता नहीं कि हमें सवाब नहीं चाहिए और ऐसे और ऐसे सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि जिसने कोई अमल सवाब की नीयत के बगैर किया उसके अमल की सिमत ही मुतिन नहीं है तो मैंने सवाब की नीयत करके सिमत मुतयन की है रमजान मुबारकदात है शब्द बेदारी की नीयत है गुफ्तु है एक सहाबी अजीम के पोते पर गुफ्तु है इमाम मदीना इमाम मालिक पर जिनके बारे में इन ए वे उनके ले पालक कहिए उनके शागिरद खास कहिए इमाम शाफर रहमान ने फरमाया कि जब आलमों का जिक्र हो तो उसमें इमाम मालिक मानंदे सितारा है सितारे से मुराद चमक नहीं है जब सहरा का बासी सितारा कहता है तो इससे मुराद ये होती है कि वो सिमत दिखाने वाला है मंजिल की तरफ सफर की तो इमाम शाफी का ये फरमान है अपने उस्ताद के बारे में कि जब उलमा की गुफ्तु हो तो इमाम मालिक मानंद सितारा हैं आलमों में और जब आलिमों का जिक्र हो तो वो रहनुमा है जो सिमत दिखाते हैं अमीर उलमोमिन फिलहदीस कितना बड़ा दर्जा है इमाम औजाई का अलिफ वाओ जे अलिफ एन छोटी ये इमाम औजाई फरमाते हैं इमाम मालिक आलिम हैं और आलिम हैं और मुफ्ती है हैं हरमैन शरीफ एन के और इमाम अजाई फिर कहते हैं उनके इंतकाल पर कि उन्होंने रूए जमीन पर अपना कोई सानी ना छोड़ा हालांकि इमाम मालिक के जो हम असर हैं वो इमाम इमाम अबू हनीफा उनके हम असर हैं इमाम शाफई उनके शागिर्द हैं इमाम हम्बल उनके बाद आए लेकिन एक कहकशा मौजूद थी उसके बावजूद इमाम से। उन्होंने रुए जमीन पर अपनी मिसाल न छोड़ी वो अपने जमाने की हुज्जत है उनका कौल आ जाए तो फिर किसी और कॉल की कोई वक्त नहीं रह जाती हुज्जत उसे कहते हैं हज्जत जमाना है हदीस पर और जिस तरह सिलसिला नक्शबंद में चिराग की बहुत अहमियत है सूरा एजाब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा है सराज मुनीरा, चिराग तो इमाम औजाई इमाम मालिक को अपने जमाने का चिराग कहते हैं इल्म का चिराग और कहते हैं कि इमाम मालिक की किताब मौता इमाम मालिक रूए जमीन पर बादहू किताब अल्लाह सबसे मशक्क़त किताब है जब अल्लाह की किताब के अलावा लोगों के पास कोई किताब ना थी तो इमाम मालिक ने मौता लिखी और मोता क्यों कहते हैं इमाम मालिक ने अपनी ये किताब सत्तर फुकाहा को पेश की रवायत का लफ्ज है कि सत्तर फुकाहा पर पेश की और एक हजार उमा पर पेश की तो सब ने इतफाक किया इसलिए इसको मोता कहते हैं मोता इमाम मालिक जिसमें कुल एक हजार सत्ताईस रवा हैं रवायतें जिनमें छः सौ अदीस हैं मुस्द मुस्त दो सौ बाईस अहादीस हैं मुरसल जो हदीस की कस्म है छ सौ तेरह मौकूफ़ हैं और दो सौ पचासी तबइन के अकवाल हैं इस तरह से मोता इमाम मालिक जो हदीस की पहली किताब है या कुरान मुबारक के बाद पहली किताब उसमें एक हजार सत्ताइस हैं इमाम शाफी भी इसी के कायल हैं कि आसमान के नीचे किताब अल्लाह की कि, किताब अल्लाह के बाद इमाम मालिक की माता से ज्यादा सही किताब कोई नहीं है इब्ने अरबी कितना बड़ा नाम इब्ने अरबी कहते हैं कि माता इमाम मालिक सही उल्वल है और सही बुखारी सही उसानी है बरकत की खातर याद आ गया अर्ज कर दू कि जब बर्दजब्बा नामी आदमी का बेटा इब्राहिम यानी बरदजब्बा आतिश परस्त का बेटा इब्राहिम सयदना उस्मान्य रजी के दौर में जब मुसलमान हो गया तो इब्राहिम का बेटा इस्माइल किसका शागिर था इमाम मालिक का और इस्माइल के बेटे का क्या नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल इनका लकब क्या है इमाम बुखारी इसलिए इबन अरबी ने सही कहा कि माता इमाम मालिक सही उल्वल है और इमाम मालिक के शागिद इसमाइल के बेटे मोहम्मद बिन यानी इमाम बुखारी की सही सही शजर मुबारक का जिक्र पिछली में हो चुका बरकत की खातिर दोबारा मालिक बिन अनस बिन मालिक इबन हजरत अबू आमर रही इबन खुलद ने मेरी उम्र बहुत कम थी जब मैं पढ़ता लिखता था तो मैंने एक जमाने में ये वर्किंग की कि शजरे की एक कड़ी की तवालत कितनी होती है उसका अरसा कितना होता है तो मुझे बड़ी अजीब सी खुशी हुई कि जो मैंने कैलकुलेशन की वो चालीस साल थी बाद में मैंने उसके बहुत सालों बाद जब इब्ने खुल्दून को पढ़ा तो इबन खुलदून ने जो वर्किंग की है शजरे की एक कड़ी की उम्र उसने छत्तीस साल रखी है तो अगर मैं अपनी वर्किंग पे रहूं चूंकि मैं जदी जमाने में मैंने कैलकुलेटर पे वर्किंग की इब्न के जमाने में कैलकुलेटर नहीं था तो मैं अगर अपनी वर्किंग पे रहूं तो अनस बिन मालिक न, इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अभी आमिर ये शजरे की तीन कड़ियां हूं तीन जरबे चालीस एक सौ बीस साल अब इसी एक सौ बीस साल को देखिए रवायत और दरायत का जो फन है जो फन हदीस से निकलता है अब हमने क्या निकाला शजरे की तीन कड़ियां जरब तीन एक सौ बीस और अगर इबने खुलदून से जरब दें, तो कितनी हुई एक सौ आठ रसूल मकबूल सल का विसाल मुबारक हुआ छ सौ बत्तीस में इमाम मालिक की पैदाइश हुई सात सौ ग्यारह में फर्क निकाल लीजिए यानी ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया ऑथेंटिकेट हो गया कि पीरियड बिल्कुल सही है शजरे के हिसाब से निकालें या कैलेंडर के हिसाब से निकालें दोनों एक दूसरे पर इम्पोज हो रहे हैं फिर ये बात भी आ गई कि ताल्लुक यमन से था मदीना मनवरा के क्याम पजीर हुए किस घर में रहे उस्तादों के उस्ताद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी के खाने अकदस में रहे आलमों के घर में रहे जो इमाम हदीस व इमाम कुरान खानदान मज़स रहा सगे दादा का जिक्र हो चुका असाज़ा। क्योंकि इमाम मालिक को इमाम मदीना यूं कहा जाता है कि इल्म का मरकज़ और सहाबा उस वक्त मदीना मनवरा में मरतकज थे और इमाम ने इन सब से इल्म हासिल किया रवायत के अल्फाज ये हैं कि मदीना के मुख्तलिफ सीनों में जो इल्म था वो इमाम के अकलौते सीने में जमा हो गया इसलिए उन्हें आलमों का आलिम कहा जाता है इमाम मदीना लेकिन इनके कई उस्तादों में जो सबसे बड़े उस्ताद हैं जिनसे इन्होंने बहुत ज्यादा नफा हासिल किया उनका नाम है नाफे बहुत मशहूर हस्ती नाफे मौला इबन अमर यानी उमर खत्ताब अलखताब रजीम के बेटे इब्ने उमर के आजाद करदा गुलाम जिसे मौला कहते हैं वो इनके उस्ताद उला हैं, कई साल उनकी खिदमत में रहे और अल्लाह आपको अगर तोफीक दे फन हदीस पढ़ने की हदीस की मैं बात नहीं कर रहा फ़न हदीस की नाइनटी फाइव इल्मे हैं इल्मे असफार इल्म इल्म लोगों को अमूमा एक नाम ज़्यादा मालूम है तो वो उसी का तस्करा करते रहते हैं इमर उजाल इमरजाल नाइन्टी 95 इल्म है उन्हें 95 फैकल्टीज कहा जाता है तो इलम उलफार और इल्म-सिनिन इल्म-सिनिन एक इल्म की हल्की सी झलक मैंने अभी दिखाई एक सौ बीस को वेरीफाई कैसे किया गया यही हदीस भी इसी तरह से करती है और हदीस हदीस में वो जो नाफे के जरिए अब्दुल्ला अब्दुल्लाबन उमर और उनसे उमर तक पहुंचे इस सिलसिले को सही सही उल असानीद कहा जाता है और वो हदीस जो हजरत इब्ने अब्बास की रवायत से आगे बढ़े तो उसको सिलसिला तो जहब कहा जाता है सोने की कड़ी तो इमाम मालिक ने जो मोता में रवायत की है वो सही असानीद है इसीलिए अब अरबी ने सही अव्वल कहा सो हम यहां पर वक्फ़ा लेने की जरूरत है हमें तो हम यहां पर वक्फ़ा लेते हैं और अगली नशस्त में हम इमाम पर दोबारा गुफ्तु की कोशिश करेंगे मास्लामा। यार वो ऑन नहीं है सर तो बंद कर दीजिए चार्जर इसका नहीं वो तो है ठीक है शायद हम दो और कर लें आज ठीक है ताकि दिल में इतमान हो जाए कि हम तक पहुंच गए कौन था बच्चे तुम नीचे जाओ जोर से कहना अदनान भाई चाय दे दें सात कप कितने हैं? तीन चार पाँच छह सात कहना सात कप चाय दे दें पहले ये ये कप सारे जमा करके ट्रे में नीचे ले जाओ घर में इतने कप थोड़ी ट्रे में रख लो बेटे वहां रख के कहना दान भाई सीढ़ी पे ही कहना ताकि वो अंदर चली जाए कहना दान भाई मैं कप ले आया हूँ सो सात कप चाय दे दें और कहना पानी की बोतल भी दे, दे। इमाम आइनिया मशहूर नाम है मुहदसिन में उम्रमोन फिलहदीस में वो इस हदीस मुबारक का मस्ताक इमाम मालिक को करार देते हैं और एक ख्वाब में रसूल मकबूल सल्ला रसालत मसालत पना वसल्लम ने चलिए मैं यहीं अर्ज कर दूं कि रवायत है कि इमाम मालिक तशरीफ फरमा थे तो किसी ने आकर उन्हें एक पर्चा दिया इमाम मालिक ने वो पर्चा अपने मसल्ले के नीचे रख लिया और फिर इन्हें पढ़ने के लिए दिया और जब इन्होंने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था और कहने वाले कौन है इमाम कसीर जो कारिये मदीना कहलाते थे उन्होंने पर्चे पर यह ख्वाब लिखा उन्होंने ये देखा कि रसालत पना अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और उनसे कुछ तलब फरमा रहे हैं तो रसालत आपके अल्फाज मुबारक थे कि मैंने अपने इस मेंबर के नीचे तो खाल एक खजाना दफन कर दिया है इसको तकसीम करेंगे मालिक तो तुम लोग जाके मालिक से ले लो तो जब लोग पलटे हैं आपस में ये कहते हुए कि मालिक तकसीम भी करेंगे या नहीं इतना बड़ा खजाना तो दूसरे ने कहा जो मालिक को हुक्म दिया गया है वो पूरा होगा और एमां मालिक इस परचे को पढ़ते जाते थे

उस खजाने को जो मंबरे नीचे के नीचे रसूल करीब ने खुद दफन फरमाया है नाजीन सामीन मोहतर इमाम मदीना का तारफ कई दिन चाहिए ये दस मिनट का दामन इतना वसी नहीं है कि इमाम के तारफ का ते भी अदा किया जा सके इमाम मदीना हैं, मजदा के रसूल हैं मजदा के हजीसे रसूल हैं और सरकार की एक हदीस मुबारक का मफूमन ये है मकाल ये है कि देते वो हैं इल्म के बारे में फरमाया देते वो हैं तकसीम मैं करता हूँ औुका मकाल तो अबुल को वो अपने बाद तकसीम किसके हवाले कर रहे हैं इमाम मदीना इमाम मालिक मालिक तो इमाम मालिकमा पर गुफ्तु इसी तारफ से कि दीगर उमरा उमोमिन फिलहदीस ने उनके बारे में क्या कहा इमाम मदीना का किस तरह से अदब करते थे इमाम हदीस मुबारक का किस तरह से अदब करते थे और इमाम की किताब और उनका वफात जो सीरत साहबा और सीरत ताबेन का पक्का फॉर्मेट यही है सो हम उस पर अगली नशस्त में इंशाला गुफ्तु कर देंगे मालादी तो जब हदीस सुनाई जा रही होती इमाम मालिक की महफिल में मसनत पर इमाम मालिक होते तमाम हाजरीन के सर सिर नगु होते आवाज कोई ना निकलती ना निकालने की इजाजत थी तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा भी इमाम मालिक की महफिल में सर झुकाकर खामोश बैठते शहनशीन पर इमाम होते हैं। और दरवाजे पर सवारियों का अम्बोहे कसीर इस तरह से होता कि लोग रोब में आ जाते किसी दरबार की भी ये शानत थी बादशाही दरबार की मजलिस हदीस जो इमाम मालिक की होती उस पर शाही दरबार का गुमान होता शागिदों की एक तवील फहरिस्त जब इमाम हदीस इमला कराते तो कौन कौन नहीं लिख रहा होता और कितनी दवाते होती इमाम मुबारक जैसा आदमी अमीरमिनफुल हदीस इमाम का शागिर था नाजीनो सामीन मोहतरम आज की नशे हम यहां पर खत्म करते हैं और अगली नशिश में फिर गुफ्तु होगी मास्लाना